आरबीआई ने इस फेस्टिव सीजन लोगों को तोहफा देने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने यूपीआई से जुड़े कुछ बदलावों के बारे में सूचना दी। आरबीआई गवर्नर ने यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट्स को बढ़ाकर आम लोगों को तोहफा दिया है। इसके जरिए सबसे ज्यादा फायदा छोटे ट्रांजैक्शन करने वाले कस्टमर्स को होने वाला है। इसके अलावा यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को लेकर भी बड़ी खुशखबरी दी है। और यूपीआई को लेकर जो तीन बड़े बदलाव किए हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है यूपीआई 123 पे की लिमिट को बढ़ाना। जी हाँ, इसकी लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। दूसरा बदलाव है यूपीआई लाइट की लिमिट को बढ़ाना। जी हाँ, इसकी लिमिट को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। इसके जरिए आम लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो छोटे ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई लाइट का जमकर इस्तेमाल करते हैं। तीसरा बदलाव है यूपीआई लाइट की प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाना। इसके लिए आरबीआई ने इनकी ट्रांजैक्शन लिमिट को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया है। देखिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए भारत के आर्थिक लैंडस्केप में काफी बड़ा बदलाव हुआ, जिसके दम पर देश में पैसों का ट्रांजैक्शन बड़ा आसान और सुलभ हुआ। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।